हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 2024 सेट फोर्थ जो है उसको आज हम समझने वाले हैं। आपका अंग्रेजी विषय का जो एग्जाम है आज स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट स्कूल का। 6 दिसंबर 2023 को आज एक एग्जाम हो चुका है, तो इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो लास्ट सेट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट फोर। इसमें सेक्शन ए में दिया है, आपको देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं उनके क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज के आधार पर लिखना है। क्वेश्चन आपका है, पावर कैन हेल्प अस और किल अस। शक्ति दो तरह की होती है, जो हमारी शक्ति भी हो सकती है, पावर मतलब हमारी सहायता भी कर सकती है और हमें मार भी सकती है। इट लेट्स अस वॉच टीवी, मैक पॉपकॉर्न इन द माइक्रोवेव। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, पॉपकॉर्न इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न तैयार करते हैं। लाइट द हाउस एट द फ्लिक ऑफ अ स्विच, या किसी लाइट का स्विच ऑन कर रहे हो, एंड सो मच मोर। यदि इन चीजों को हम सावधानी से नहीं करेंगे तो ये चीजें हमें सहायता देने के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो देखिए, इफ योर रेफ्रिजरेटर रनिंग, यदि आपका क्या आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है, इट इज इफ यू हैव इलेक्ट्रिसिटी, ये आप सभी जानते हैं कि वो बिजली से चलता है। दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन आवर लाइफ। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर की मतलब बिजली की जो शक्ति है वो उससे हमें, अगर हम उसे सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देर आर सम टिप्स अबाउट हाउ टू सेव पावर। अब कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम बिजली बचा सकते हैं, बोथ इन योर होम एंड एट स्कूल। तो इससे रिलेटेड ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड कर लेना है। रीड करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नीचे देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ द आइडल सॉल्यूशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज। आइडल सॉल्यूशन मतलब सबसे आदर्श जो उपाय है, जो सॉल्यूशन है, जो हल है टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज, वो क्या है? तो वो क्या है, देखिए, टू यूज कैंडल्स, टू यूज माइक्रोवेव, टू यूज एलईडी बल्ब्स, टू यूज एयर कंडीशनर्स। तो इसमें राइट आ जाएगा आपका टू यूज एलईडी बल्ब्स, मतलब एलईडी बल्ब जलाकर हम बिजली को बचा सकते हैं। पावर लेट्स अस डू, पावर लेट्स अस डू मतलब पावर जो है शक्ति है, लेट्स अस डू हमें क्या करना चाहिए, वॉच टीवी, यूज माइक्रोवेव, लाइट द हाउस एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तीनों ही चीजें सही है, तो इसमें आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द डे टाइम वी कैन यूज। डे टाइम मतलब दिन के समय में हम क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं लाइट को, तो एलईडी बल्ब, ट्यूब या स्ट्रीट या नेचुरल। तो नेचुरली यूज कर सकते हैं क्योंकि दिन में तो ऑलरेडी हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है तो रोशनी बनी रहती है। तो इसमें आ जाएगा कि हम नेचुरली यूज करके हम प्रकाश की बचत, मतलब प्रकाश उससे ले सकते हैं और अपनी लाइट की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज एन स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। अब देखिए, देयर इज एन शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया, तो इसको अच्छे से पढ़कर आपको इसका आंसर इस पैसेज से ढूंढकर ही लिखना है। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ जनरेट, तो जनरेट का नाउन फॉर्म आपका जनरेशन हो जाएगा। इसका और भी अगर आप चाहें तो रिफर टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 28 पर इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। वंस अपॉन अ टाइम लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट फुल ऑफ न्यूमेरस काइंड ऑफ ट्रीज। एक समय की बात है कि लार्ज एरियाज मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में भारत के वर कवर्ड मतलब ढके हुए थे विथ फॉरेस्ट यानी जंगलों से, फुल ऑफ न्यूमेरस काइंड्स ऑफ ट्रीज, जिसमें बहुत ही प्रकार के पेड़ थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पेड़ अपने जरूरत के लिए काटे जा रहे हैं। एज द पॉपुलेशन ग्रीव मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ट्रीज बिगेन टू बी कट डाउन फॉर मैन यूज, तो मतलब पेड़ों को काटा जाने लगा क्योंकि व्यक्ति के रहने के लिए जगह नहीं बची, जगह तो इतनी सीमित थी। That is how the wonderful forest described is our in our ancient poems। प्राचीन कविताओं में हमने पढ़ा है, came to be destroyed and a great part of our forest wealth was lost। तो मतलब इन सबको destroyed यानी होता है नष्ट करना, नष्ट किया जा रहा है, and a great part of our forest, ये हमारे
जंगलों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, वेल्थ वाज लॉस्ट, जिसे हमने खो दिया है। तो इसी तरह से आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है ध्यान पूर्वक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम आगे के पेज पे दिखाएंगे। अभी ये देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर के पैसेज से, वो आप यहाँ देख सकते हैं। दीज आर द कंट्रीज इज बर्डन लाइवलीहुड वेल्थ या डिफेंस, तो इसमें आ जाएगा वेल्थ। ठीक है, वी मस्ट ब्लैंक अवर फॉरेस्ट, तो वी मस्ट मतलब हमें चाहिए क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट रॉइन डिस्ट्रॉयड या कट, तो क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। हु वांट्स ट्री टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री, हु वांट्स मतलब कौन चाहता है ट्री टू बी प्लांटेड, वृक्षों को लगाना ऑल ओवर अ कंट्री, अवर गवर्नमेंट, अवर स्कूल, अवर पेरेंट्स, अवर फ्रेंड्स। तो अवर गवर्नमेंट मतलब सरकारी कार्यक्रम है ये, जो हर जगह चलता है, वन महोत्सव, वृक्षारोपण वगैरह, तो इसमें हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट है नेम द फॉरेस्ट फेस्टिवल, तो फॉरेस्ट फेस्टिवल आप जानते हैं, फॉरेस्ट फेस्टिवल हम किसे कहते हैं, वन महोत्सव जो पेस्ट में दिया गया उससे आप इसको लिख सकते हैं। नेम द सिनोनिम ऑफ वर्ड सेक्रेट, तो इसका भी आप ऐसे से ढूंढकर आंसर लिख देंगे। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 36 पर आप इसको सॉल्यूशन में देख सकते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सप्लाई अ सुइटेबल टाइटल। इसमें नोट मेकिंग करना है, मेन मेन पॉइंट्स को आपको एक हिंट ले लेना है, एक जगह लिख लेना है, फिर जो भी आपका इसका टाइटल है उसको आपको लिख देना है। तो रिमेम्बर दैट द कैरेक्टर यू फॉर्म इन योर फैमिली, जैसा कैरेक्टर मतलब जैसा चरित्र आप अपने परिवार में बनाते हैं वैसे ही आपसे आपके छोटे सीखते हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी वो ही आपके सामने आता है, फॉलो यू थ्रू लाइफ, यही आप पूरे जीवन भर उसको फॉलो करते हैं। आर यू एज यू आर रिगार्डेड बाय योर ओन ब्रदर्स, मतलब आप अपने बड़ों को अगर सम्मान देंगे, एंड सिस्टर और अपनी बहनों को एट होम घर में, सो इन अ ग्रेट मेजर यू विल बी रिगार्डेड बाय अदर्स, वही आप दूसरों से प्राप्त करेंगे। व्हेन यू लीव योर फादर्स हाउस, यदि आप कभी अपने पिता का घर छोड़ेंगे, इफ यू आर मैनली मतलब मुख्यतः काइंड एंड कॉर्टियस एट होम, सो यू विल कंटिन्यू टू बी एट दीज ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर विल ऑलवेज मेक यू बीलव्ड, तो मतलब आपने जैसी अपनी छवि अपने परिवार में बनाई है वही छवि आपकी हमेशा बनी रहेगी। इसका आंसर आप और भी चाहें तो देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 42 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए, मतलब एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है बुक्स के लिए, मतलब बुक बैंक से या पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 44 पर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके ऑप्शन में आपको एक लेटर मिल जाएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, मतलब आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं अपने भाई की शादी के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, निबंध है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मतलब भारत की जो समस्याएं हैं वो क्या है, साइंस अ बून और अ कर्स, ग्रो मोर ट्रीज मतलब ज्यादातर पेड़ों को बढ़ाना, एंड इंडियन फेस्टिवल कोई भी राष्ट्रीय त्योहार। तो इसका भी आंसर आप क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज 55 पर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे निबंध आपको इन पेजेस पर मिल जाएंगे। इसके अब ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन और मिलता है, देखिए आप अगर निबंध ना करना चाहें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आर्टिकल है ये, राइट अ पैराग्राफ, या पैराग्राफ भी आ जाता है कभी आर्टिकल भी आ जाता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन रोल ऑफ द इंटरनेट इन अबाउट 80 वर्ड्स, मतलब इंटरनेट की क्या भूमिका है आज के जीवन में, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 61 पर इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा आता है जो 3 नंबर का रहेगा आपका, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स, इस पिक्चर को आपको देखना है, पिक्चर में आप क्या क्या देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली समथिंग आपको 75 वर्ड्स में इसमें पिक्चर से रिलेटेड सेंटेंसेस लिखने हैं, पैराग्राफ लिखना है। अब रिफर टू क्वेश्चन नंबर 5 पर आप इसका आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 65 पेज पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये 3 नंबर का आता है। अब आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी हम सभी को पता है कि ग्रामर सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव करना है इसमें से, जूली कम्स ब्लैंक अगस्त बिफोर आफ्टर या विथ, तो इसमें जो भी प्रॉपर है
प्रॉपर है, मतलब उसी को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं. जूली कम्स अगस्त, तो बिफोर, आफ्टर या विथ, तो इसमें आ जाएगा आपका बिफोर. तो जूली कम्स मतलब जुलाई, सॉरी जुलाई कम्स बिफोर देखिए सेक्शन सी में हमारा आता है ग्रामर सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव. जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, जुलाई कब आता है, अगस्त के पहले या बाद में, तो इसमें ऑप्शन है बिफोर, आफ्टर या विथ. तो आप इसमें क्या कर देंगे कि जुलाई अगस्त से पहले आता है, तो पहले के लिए हम बिफोर यूज करते हैं, तो आप इसमें बिफोर कर देंगे. ही इज ऑनेस्ट मैन, वे एक ईमानदार व्यक्ति है, तो ए एन द आर्टिकल का यूज करना है, तो जो भी प्रॉपर आर्टिकल हो आप इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से सारे सेंटेंसेस के सामने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये 7 सेंटेंसेस हैं आपके पास, इसमें से आप एनी 5 को अप्लाई करना है. अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करना है आपको. स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, मतलब तैरना एक अच्छी आदत है, तो रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, तो इसको आपको इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट, इसी तरह से सारे सेंटेंसेस के सामने इंस्ट्रक्शन दिए हुए, इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे. इनके आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट का है स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, तो इसको आपको देखिए इट इज सैड कहा जाता है दैट कि स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, मतलब ये कहा जाता है कि तैराकी एक अच्छी आदत है. तो इसी तरह सारे सेंटेंसेस के आंसर आप यहाँ देख सकते हैं. अब आता है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सही विकल्प एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये चार दिए हैं, चार ही करना है, चार नंबर के हैं. व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, मतलब आइस जो है, बर्फ जो है, वो किसका प्रतीक है. चार ऑप्शन है, लस्ट, लव, डिजायर, हैट्रेड, तो जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है. इसी तरह ये चारों सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है. क्वेश्चन नंबर 10 आपका आता है, अब रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. नो वन इज बॉर्न हर्टिंग अनदर पर्सन, नो वन मतलब कोई भी एक ऐसा जन्म नहीं लेता जो अनदर पर्सन से नफरत करता हो, यानी घृणा करता हो, बिकॉज क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उनका स्किन का कलर या उनका रंग, और हिज बैकग्राउंड, और उनका जो बैकग्राउंड है, और हिज रिलीजन, और जो व्यक्ति का धर्म है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, तो इसके आधार पर ही व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करना सीख जाता है. जन्म से कोई व्यक्ति एक दूसरे से घृणा नहीं करता, इससे रिलेटेड ये पैसेज है. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, तो मतलब कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीवन ये नहीं कहता कि हमें किसी से घृणा करनी चाहिए, बल्कि हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए. तो इसी तरह आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना. इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए Who is saying these lines? मतलब ये lines क्या कह रही हैं? Who is saying these lines? क्या कह रही हैं? किसके द्वारा कही गई हैं? मिस्टर डीक्लर, थाबो मैपकी, ओलिवर थैम्बो या नेल्सन मंडेला, तो किसने कही हैं ये lines? तो उस पर आपको टिक कर देना है. ऐसे ही दो क्वेश्चन और हैं इसके, तीन नंबर का ये पैसेज है, तो इसमें आप जो भी राइट आंसर हो उस पर आप टिक कर दीजिएगा. इससे रिलेटेड एक पैसेज और है, शॉर्ट पैसेज आता है पोयम का. I heard on an old religion man, but yesterday night declared. तो इस पैसेज को, पोयम वाले पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे देखे जा रहे हैं. देखिए who was it that the poet had heard? Who was it that the poet had heard? मतलब क्या सुना, किसने सुना ये? A priest, an old religion man, a king, none of these. तो जो भी राइट आंसर है उस पर आपको टिक कर देना है. इसी का सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं. Who can love us for who we are and not for how we look? ठीक है, who can love, कौन स्नेह कर सकता है हमसे, for who, किसके लिए, जो who we are and not for how we look, हम कैसे उसे देख सकते हैं. Poet, young boy, old man, goat, तो किसके द्वारा कही गई ये बात है, तो इसमें से आप जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है. इसका अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ रिलीजियस बुक. विच वर्ड मतलब कौन सा शब्द इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, एक्सट्रैक्ट का मीन्स लगा सकता है, रिलीजियस बुक एक धार्मिक पुस्तक के माध्यम से. गॉड, रिलीजियस मैन, टेक्स्ट, नन ऑफ दीज, तो जो भी राइट है उस पर आपको टिक कर देना. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स.
प्रोज से है, एनी सिक्स क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है. व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 118 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा, क्यों जाते हैं मतलब वो वहां पर, मैक्सवेल गो टू बसरा. हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई, हाउ लॉन्ग डज ही वेट मतलब बहुत लंबे समय तक वो इस तरह कैसे किया उन्होंने, तो इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 130 पर इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा. तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन है. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे मजबूत जो इच्छा थी वो क्या थी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज 134 पर आप इसको देख सकते हैं. तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन के आगे आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका इसका सॉल्यूशन जो है आपको वो किस पेज पर मिल जाएगा. तो एक क्वेश्चन को आपको सभी को अच्छे से पढ़ लेना है. वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, वाज लेंचो, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ लेटर पाकर और उसमें पैसे जो रखे थे उन पैसों को पाकर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 115 पर इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा. तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड कर लेना है. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स पोएट्री. अब ये पोएट्री से आपके क्वेश्चन आ गए हैं. देखिए, व्हाट डज द पोएट से, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वे डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन पेज 148 पर आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा. तो इसी के आगे सारे क्वेश्चंस के आगे आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं. 3 प्रश्न है ये, 3 में से आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 नंबर के रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 आपका आता है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, फुट प्रिंट से दिए गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एनी 2 जिनको आपको करना है. 3 प्रश्न दिए होंगे, ये भी आगे है एक प्रश्न. हाउ डू मिस्टर एंड मैम लुइजेल रिप्लेस द नेकलेस, मतलब उन्होंने रिप्लेस द नेकलेस मतलब नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 170 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा. इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर भी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज 161 पर आप देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में रियल कल्प्रिट स्टोरी किसके बारे में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 163 पर इसका आंसर आप देख सकेंगे. अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 बर्ड प्रोज से है, ये 75 बर्ड्स में इसके आंसर आपको देने हैं. हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनली, किस तरह से मैरिज टेक प्लेस फाइनली मतलब अंततः मैरिज टेक प्लेस मतलब एक कोई स्थान रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है. रेफर टू अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज 140 पर इसका आंसर आप देख सकते हैं. इसके ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाउ डिड वैली प्लान, ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और ये क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो उसका आंसर आप दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 बर्ड्स पोएट्री से है ये. Do you find the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light hatred poem? Give reason to support your answer. Do you find, क्या आप ढूंढ सकते हैं, तो tale of Custard the Dragon, ठीक है ना, dragon के बारे में है, to be a serious, आप गंभीर हैं, और a light hatred poem, give reason, मतलब reason बताइए, कारण दीजिए to support your answer. और इसमें आंसर को सपोर्ट किया जाएगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 154 पर आप इसको देख सकेंगे. इसके ऑप्शन में क्वेश्चन और है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन द लेटर्स, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, द पोएट डज नॉट मेंशन मतलब पोएट कभी ने कोई मेंशन क्यों नहीं किया, कुछ माइंड क्यों नहीं किया, ठीक है ना, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट. आगे इसका आंसर आप देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 152 पर इसका आंसर आप देख सकते हैं. ये भी आपका 3-3 नंबर के प्रश्न है सभी. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आज का लास्ट प्रश्न है. आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 बर्ड्स फुटप्रिंट से लिया गया है ये. व्हाट डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. देखिए, व्हाट डज मिसेस पम्फ्रे ऐसा क्यों कहती है, थिंक क्या क्यों सोचती है, द डॉग्स रिकवरी उनके जो उनका जो डॉग था उसकी रिकवरी के बारे में कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की वो अस्पताल की विजय है, ठीक है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज 158 पर इसका आंसर आप देख सकेंगे. इसका लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन में, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन.
मतलब इनमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स थी वो कैसे क्या होता है उसके अंदर, मतलब वो क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 161 पर आप इसको देख सकेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, रिवीजन करना है, टोटल 16 क्वेश्चन है इसमें। अगर आप सभी ने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप अपने आगे फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।